Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput, your social science faculty at Magnet Brains. I hope आप सारे video lectures को follow करते चल रहे हैं और उसी series में capsule series में आज हम पढ़ेंगे picture based questions test. ठीक है, देखो picture based questions series हम बना चुके हैं, पूरी series बना चुके हैं. अब क्या है, हर picture को discuss भी कर लिया है तो अब exam gap में हम उन सारे video lectures को फिर से नहीं देख सकते हैं और देखिएगा भी मत. ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है तो वहां पे, लेकिन हम फटाफट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पिक्चर्स को रिवाइज कर लें. ठीक है, और ये चीज क्या है, टू मार्क्स फॉर श्योर आइटम है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, नवंबर दिसंबर में ही बता दिया था कि पिक्चर, अब जब भी आप जो भी पढ़ रहे हैं तो अगर कहीं पिक्चर आ रहा है, कोई कार्टून आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देते चलिएगा. क्यों? क्योंकि दो नंबर सीधे मिलेंगे. जो 12 नंबर का पेपर लीक किया है हमने, ठीक है, तो उसमें हमें दो नंबर यहां पर मिल रहे हैं. ठीक, तो अब देखो क्या है, सवाल ये आता है कि हाउ टू रिवाइज एंड व्हाट टू रिवाइज इन एग्जाम गैप. तो एग्जाम गैप में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सारी चीजें फिर से एक बार, पूरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकते हम. ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, व्हाइल यू आर स्टडिंग, जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसे हमने जो डे डिवाइड किया हिस्ट्री सिविक्स किया, तो उस चीज पर ध्यान देना था आपको वहां पे. ठीक है, अभी भी ध्यान दे सकते हो, अभी भी दिन खत्म नहीं हुए. हैव अ लुक ऑन द पिक्चर व्हाइल यू आर रिवाइजिंग दी चैप्टर्स. ठीक है, तो जब आप चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो ना, तो जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहीं पे चैप्टर में ही पिक्चर है, कार्टून है, ऐसा तो नहीं है बुक से बाहर से आ रहा है. तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस समय पे उस पिक्चर पे, उस कार्टून पे ध्यान दो. ठीक है, क्या है, अब ध्यान कैसे देना है, तो ऐसे घूरते नहीं रहना उसको. ठीक है, ध्यान ऐसे देना है कि नेम ऑफ द पिक्चर कार्टून, तो जो भी पिक्चर है, जो भी कार्टून है, उसका नाम ध्यान रखो आप. ठीक है, कि अच्छा क्या नाम है क्या नहीं है. हाँ सुनो, आज ही अभी हम डिस्कस भी करेंगे, कुछ पिक्चर्स भी है हमारे पास में, तो अभी आपका रिविजन भी हो जाएगा. बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पहले समझ लो कि किसी भी पिक्चर को रिवाइज करते समय नेम ऑफ द पिक्चर कार्टून, इस चीज को आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है कि हाँ ये क्या है. मैसेज इन दैट, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, वो जो पिक्चर है, वो जो कार्टून है, वो क्या मैसेज लेके बैठा है. ठीक है, क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है. ये है ना, ये मेरा अपना ट्रेडमार्क है, ये मैंने खुद एनालिसिस किए हैं. क्लियर है, समझ गए समझने वाले. तो नेम ऑफ पिक्चर कार्टून ये समझना है, मैसेज इन दैट व्हाट डज इट सिग्निफाइज, वो क्या मैसेज क्या छुपा है उसके अंदर. मैसेज क्या छुपा है उसके अंदर मतलब क्या होता है कि देखो आपने पिक्चर देखी, ठीक, अब वो पिक्चर देखी, आपने कार देखी एक पिक्चर में, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन कार के ऊपर पूछेंगे, वो कार के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही है. जैसे अगर आप ध्यान करोगे तो पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में आपको एक फोटो दिख रही है जर्मन फेडरलिज्म की, तो वो वहां पे आपको ध्यान रखना, जर्मन गवर्नमेंट की जो, तो वैसे ध्यान रखना है कि मैसेज क्या छुपा है, अंदर की बात क्या है. अगली चीज चैप्टर कैरेक्टर कंटेंट. अब मान लो कोई इमेज को अगर आप देखते हो, जैसे ये इमेज देखी, तो इमेज देखते से सबसे पहले क्वेश्चन मत देखो, अभी क्वेश्चन नहीं तो आप आंसर देख लोगे. ठीक है, तो इमेज देखते से सबसे पहले आपको यह ध्यान आना चाहिए कि अच्छा ये इमेज किस चैप्टर से है, कैरेक्टर कौन है उस इमेज के अंदर, कौन इंसान दिख रहा है, वो मैसेज क्या देना चाह रही है. आया ना समझ में, तो ये चीजों को पहले रिकॉल कर लो पिक्चर को देखते से, तो आंसर गेस करना आसान होगा. अब देखो जरूरी नहीं कि आप सारी पिक्चर्स को देख के जाओगे, पढ़ के जाओगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. यहां पर आपकी कंसाइंस, आपकी समझने की शक्ति से भी क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा. ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे तो भी बन जाएगा, आगे पीछे दोस्त बैठे ही है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय. अब प्रोबेबल क्वेश्चन, तो जब आप वो पिक्चर देख रहे हो, मैंने कहा ना आप जब बुक मतलब रिवाइज कर रहे हो चीजों को, तो उस समय पर अगर आप पिक्चर को देख रहे हो तो मन में थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा लिया करो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है. टेस्ट ले लेते हैं हम जरा फटाफट, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे आप हर चीज का. चार क्वेश्चन है हमारे पास में. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द कार्टून. तो देखो ये कार्टून है आपके सामने, ये ऑप्शन है, जल्दी से एक चूज करो. एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम हिस्ट्री और सिविक्स को परसीव करके चल रहे हैं कि क्वेश्चन यहीं से आना है, हमारा क्वेश्चन यहीं से सेट होगा, हिस्ट्री के पिक्चर बेस्ड या फिर सिविक्स के. क्यों? क्योंकि जो सैंपल पेपर सर्कुलर जो इशू किया है सीबीएसई ने, तो उसमें हिस्ट्री और सिविक्स के ही है. अब देखो ये फॉर श्योर नहीं है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से आएगा ही नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेटेड रिस्क तो ले ही सकते हैं. सैंपल पेपर के हिसाब से चीजें आती हैं तो, और अधिकतर फोटोग्राफ्स कार्टून्स पिक्चर्स ये सिविक्स और हिस्ट्री में ही हैं, तो उस हिसाब से हम यहीं पे ध्यान देंगे. ठीक है, और इसकी वीडियो लेक्चर भी हमने डिस्कस कर ली सारी, तो अब इसका अगर आंसर आप लोगों ने दे दिया अब तक, ठीक है, तो क्या क्या है, डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नहीं. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स डिमांड्स बेस्ड ऑन सेपरेट स्टेट, रनिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट, स्टेट प्लेस फॉर मोर पावर. तो अगर आप कार्टून को देखोगे तो आपको समझ में आएगा इंदिरा गांधी है यहाँ पे, ये केरला, ठीक है, मद्रास और ये सारे बंगाल बिहार, ये सारे स्टेट्स लाइन में खड़े हैं, और ये कार्टून में जो उनके लीडर्स हैं वो खड़े हैं, और ये लोग क्या है, ये स्टेट्स, और ये देखो पावर्स ऑफ स्टेट, एक बड़ा सा बर्तन जो है पावर्स ऑफ स्टेट, और ये छोटे बर्तन लेके आए हैं स्टेट अपना पावर लेने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट प्लेस्ड फॉर मोर पावर. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्थ वाला जो है सही आंसर रहेगा. इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अब आगे वाले नहीं बताऊंगा मैं. चलो ठीक,
Who is the person given in the image? Marco Polo, Johann Gutenberg, Martin Luther, Sebastian Mercier. तो आपकी ही बुक से आया है, ठीक है? ऐसे इसको ऐसे नहीं देखना कि पता नहीं कहां से आई है, फ्रेम बस अलग से लगाई है मैंने। तो ये कौन है इंसान, चारों में से एक चूज करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगली चीज, अब ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, तो पॉलिटिकल एजेंट्स, इलेक्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कोपिंग अप विद मल्टीपल प्रेशर थ्रू अकोमोडेशन, इलेक्शन कमीशन, विच इज द राइट ऑप्शन, ये चूज करना है और ये बताना है। इमेज देखो, चैप्टर रिकॉल करो, जरा चैप्टर रिकॉल करोगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला, ठीक है? तो उस तरह से चैप्टर रिकॉल कर लिया। अब चैप्टर रिकॉल करने के बाद आपको थोड़ा सा कुछ आसान लगेगी चीजें, तो वो ध्यान रखना है आपको, क्लियर है? अब जैसे ये, अब ये इमेज है, चैप्टर रिकॉल करो कहां से, चैप्टर रिकॉल कर लिया आधा काम बन जाएगा आपका, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ बाल गंगाधर तिलक, इसमें आप दोनों चीजें लिख के बताओगे मुझे, चैप्टर कौन सा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, चैप्टर कौन सा है, ये इमेज क्या सिग्निफाई करती है, सिंबल ऑफ अशोक पिलर, ठीक है? अशोक पिलर भी है यहाँ पे, फिर उसके बाद में श्री कृष्ण रथ इन महाभारत, द राइजिंग सन, सिंबल ऑफ यूनिटी, क्या सही आंसर है चूज करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? और सीरियसली इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, तो एक आपको हैबिट समझ में आ जाएगी, अच्छा कैसे अटेम्प्ट करना है, और इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है आप सभी लोगों ने, ठीक है? नहीं समझ में आया दो बार सुनो, लेकिन इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना, ताकि पिक्चर बेस्ड में हम हमारे दो नंबर पक्के कर लें, क्लियर है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टुगेदर वी कैन, इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है? आप पढ़ते रहिए, और हमारा टारगेट जो है, हम उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, और काफी मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, आई होप आप भी फील कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।